जय हिंद दोस्तों। बुधवार को हुई हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना ने कई परिवार को बर्बाद किया है, पर देश सेवा के लिए एक सैनिक का सर्वस्व बलिदान का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, जिसमें एक सैनिक अपने और अपने परिवार के सोचे बिना ही अपने देश की पहले सोचकर अपना हस्तस्थ बलिदान दे देता है। ऐसे ही वीर जवानों में से एक जवान है गुरुसेवक सिंह, जिन्होंने अपने नन्हे बच्चों और बीमार माँ बाप के सोचे बिना ही अपना देश सेवा में बलिदान दे दिया। शहीद गुरुसेवक सिंह पंजाब के तरन तारण जिले के खालड़ा एरिए के डोडू गांव के रहने वाले हैं। उनका गांव भारत पाकिस्तान सीमा पर होने के कारण उनमें एक सैनिक बनने का जुनून बचपन से ही था। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद वे इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। गुरुसेवक सिंह ने इंडियन आर्मी की 9वीं पैरा स्पेशल फोर्स यूनिट में तैनात थे। वह सेना में रहते हुए भी अपने ग्रेजुएशन पूरी की और अभी उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। उनकी पत्नी का नाम जसप्रीत कौर है और उनके 3 बेटियां और 1 3 साल का बेटा भी है, जो कि पापा से बात करने की जिद कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से वे व्यस्त होने के कारण फ़ोन पे बात नहीं कर सके। बुधवार की शाम को जैसे ही उनके शहीद होने की खबर उनके बीमार पिताजी को पता चली, तब से ही उनके पिताजी काबल सिंह उनका नाम पुकार पुकार कर रो रहे हैं और उनकी पत्नी सदमे में है और उनके शहीद होने की खबर पर भरोसा भी नहीं कर रही है। उनका पार्थिव देह आज दिन में उनके गांव लाया जाएगा, पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।